अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक मोबाइल जोन से तार रहमान बात करो। दोस्तों मेरे पास ये एक फ़ोन आया है, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नासर भाई का है, जो कि ख़ुद भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है। शायद ये वीडियो वो अपने चैनल पे भी डाली है, मेरे पास बैठे हुए हैं। तो ये वीडियो में लास्ट में आपको उससे मुलाकात भी करवाएंगे। तो इस फ़ोन का मसला ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है बैटरी पे, ये देखो, और चार्ज लगाओ तो कोई इंडिकेट भी शो नहीं कर रहा है, नहीं कोई किस्म का एम्पेयर जो है ना ये कंज्यूम कर रहा है चार्जर पे, ओके, और नहीं ये कोई इंडिकेट लाइट वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और इस फ़ोन का मसला कुछ अजीब सा है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मसला ये है, अगर इस फ़ोन को हम पावर सप्लाई से ऑन करें तो ये ऑन हो जाते हैं। देखो मैं पावर सप्लाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ओके। तो जल्दी जल्दी से इसके साथ केबल लगा के मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। देखो पावर सप्लाई पे ये डायरेक्टली ऑन हो गया, लेकिन ऑन हो के ये कुछ एरर दिखाता है, उस एरर के बाद ये जो है ना फिर से ऑफ हो जाते हैं। ये देखो कुछ एरर दिखा रहा है इसने, ओके, थोड़ी देर बाद ये एरर के बाद ऑफ हो जाते हैं, लेकिन पावर सप्लाई पे ये कुछ ना कुछ ऑन हो जाता है, ओके। को फिर कुछ टेम्परेचर का एरर दिखा के दोबारा से ऑफ हो जाता है, और बैटरी पे बिल्कुल ये ऑन ही नहीं हो रहा है, ओके। तो ये मसला अक्सर आपने कीपैड फ़ोन में देखा होगा, लेकिन एंड्रॉयड में ये मसला अभी हवाई में बहुत ज़्यादा आम हो गया है, ओके। हवाई फ़ोन में बहुत सारे मसले इस तरह भी न्यू आने लगे। तो सर इसको जो है ना देखते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे, ओके। मैं आपको समझाता हूँ ये मसला कहाँ से है। तो इस बैटरी में हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो इसमें 3.3, तो ये तो ऑन के लिए काफ़ी नहीं है ये वोल्टेज। बहरहाल ये चार्जर पे लगाए तो 0% शो करेगा, बहरहाल ये वो भी नहीं कर रहा है। एक चार्ज बैटरी है मेरे पास, इस पर मैं चेक करता हूँ, ओके। इस पर मैं चेक करता हूँ तो ये किसी भी चार्ज बैटरी पे ऑन नहीं होता, ओके। और ये हमारा दोस्त कह रहा है कि मैंने इसकी बैटरी रिपेयर की, उसके बाद ये इस मसले में चला गया। और ये देखो दूसरा ये चार्ज बैटरी है, इस पर मैं ऑन कर रहा हूँ, इस पर भी ऑन नहीं हो रहा। और ये हमारा दोस्त कह रहा है कि कई जो हमारी मिंगोरे सिटी है इसमें मशहूर जो है ना वो कुछ हार्डवेयर वाले हैं, जो बहुत नाम उन्होंने कमाया है, उनके पास लेके गए, महीनों उनके पास पड़ा है, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो इसमें क्या इस तरह मसला है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो 3.8 इस बैटरी में चार्ज है जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया, लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो रहे हैं, ओके। और ये बहुत बहुत नाम और जो है ना लोगों का नाम लिया कि उनके पास में ले गया, महीनों महीनों उनके पास पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी रिपेयर होके नहीं आए, ओके। और पावर सप्लाई पे ये ऑन हो रहा है, पावर सप्लाई पे ऑन हो जाए, ओके। उसके बाद कुछ एरर दिखा के दोबारा से ऑफ हो रहा है। तो इसका मसला दोस्तों कहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ओके। ये मसला जो हमारा बनता है ये हमारा आईडी लाइन से बनता है, और इसकी आईडी लाइन पे बिल्कुल रीडिंग है हमारी इस फ़ोन के। मैंने चेक किया, आईडी लाइन बिल्कुल रीडिंग दिखा रहा है, थर्मल लाइन भी दिखा रहा है। आईडी लाइन यहाँ बैटरी टर्मिनल से कहाँ से कनेक्ट है ये मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे टीपी इन्होंने दी होती है, यहाँ से कनेक्ट है, ओके। 0 0 रहा मतलब यहाँ पे, तो आईडी लाइन जो है ना इसकी ये बिल्कुल GR रीडिंग दे रहा है बिल्कुल बराबर, लेकिन आईडी लाइन में कहाँ से मसला है मुझे किस तरह पता चला दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करने के बाद जो है ना मेरे आईडी लाइन पे जो है ना वोल्टेज वो कम होने जाने हो जाने चाहिए, बैटरी के बगैर 1.8, और बैटरी जब हम लगाए तो 0.8, ओके। इस तरह वोल्टेज हमें आईडी लाइन पे मिलनी चाहिए, जबकि इस फ़ोन में जो है ना थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे वोल्टेज, अच्छा मैंने वोल्टेज मोड पे मीटर को सेट नहीं किया था, मैं वोल्टेज मोड पे सेट कर लिया। ये देखो बैटरी में 3.8 वोल्ट है, आईडी लाइन पे 2 वोल्ट आ रहा है, हालांकि आईडी लाइन पर बैटरी लगाते वक्त मुझे जो है ना 0.8 मिलनी चाहिए, ओके। क्योंकि एक रजिस्टर जो है ना वो बैटरी के अंदर लगी होती है, एक आईडी लाइन में, तो दोनों मिलके जो है ना वो करंट को एक वोल्टेज की जब दो रजिस्टर हमारे लग जाए तो वो वोल्टेज हमें आउटपुट में आधा ही मिलना चाहिए, तो 0.8 0.9 हमें मिलनी चाहिए, बहरहाल यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको हम और भी कंफर्म करते हैं, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे टीपी जो लगी हुई है इसके पास में, मैंने अभी चेक किया मीटर पे, तो ग्राउंड है, तो आईडी लाइन को हम ग्राउंड करते हैं, ओके। इस तरह जब भी मसला आपके पास आए आपने श्योर होना है, हर चीज़ का श्योर आप हो सकते हो, लाइट सेक्शन के लिए भी एक जो है ना ट्रिक से आप श्योर हो सकते हो, ग्राफिक्स के लिए ये भी, डेड फोन के लिए भी कुछ इस तरह ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपको वीडियो में बताते चलेंगे। और तो उसके लिए आपको चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसकी क्या क्या कर दिया दोस्तों, इस फोन का आईडी लाइन मैंने ग्राउंड के साथ शार्ट कर दिया, अभी बैटरी लगाई, अब इसको ऑन करते हैं, ओके। और ये देखो ऑन हो गया, तो ये 100% हम श्योर हो गए हमारा मसला आईडी लाइन से ही है, हमने ग्राउंड कर दिया, ये ऑन तो हो जाएगा।
ऑन होने के बाद ये वही एरर हमें दोबारा शो करेगा, या कुछ और एरर भी शो कर सकता है। अगर ये एरर शो भी ना करे तो ये परसेंटेज वगैरह में इसके बहुत सारे मसले होंगे। ये हमारा जो है ना वो प्रॉपर हल नहीं है इस फ़ोन के रिपेयर का। इसके रिपेयर का मैं आगे आपको बताता हूँ सोल्यूशन कि हमने क्या करना है। तो फिलहाल क्या कर दे, इस आईडी लिंक को मैंने ग्राउंड के साथ शेयर कर दिया, तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया, ये आप देख सकते हो। ओके, तो मसला इसमें यही है, ये देखो वही एरर, टेम्परेचर वाला एरर आ गया। ओके, द टेम्परेचर इज़ लो। तो इस तरह कुछ और ये सारा पूरा एरर है, मैं फीचर ऐड कर लूँगा, आप हम पढ़ लेना। तो ये हम 100% श्योर हो गए कि हमारा आईडी लेंस ही मसला है। आईडी लेंस माइक्रोस्कोप पे आके मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे हम आ गए। ये आईडी लेंस मैंने ट्रेस किया कि यहाँ टीपी कहाँ से कनेक्ट है, तो इस टीपी से कनेक्ट था। पास में हमने देखा तो ग्राउंड टीपी हमें मिल गया, तो ये दोनों मैंने आप इसमें शार्ट की, तो फ़ोन हमारा ऑन हो गया। इसे अब श्योर हो गए कि हमारा आईडी लेंस का ही मसला है। ये मैं आपको बताता हूँ बड़ा न्यूज़, आईडी लाइन हमारा डायरेक्टली जो है ना वो पीएमआईसीपी जा रहे हैं। ओके, ये हमारे पीएमआईसीपी जा रहे हैं। पिक्चर मैंने सिर्फ ऐड की है, वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सिंपल सा ट्रिक है, ये एक लाइन है वो मैंने आपको दिखाना था। तो माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे हम दोबारा आ गए। तो अभी हमने सिंपल सा जो है ना करना है कि इसके पीएमआई चेंज करनी है हमने। ओके, तो ये मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ऐसे उठाने के बाद जो है ना हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे जो है ना किस साइड पे हमने लगाने हैं। तो सिंपल सा ये आईसी हमने चेंज करनी है, क्योंकि आईडी लाइन हमारी सीधा यहाँ पे आई हुई है, तो इसी आईसी से मसला है हमारे। तो इस वजह से हमारे जो है ना वो आईडी लाइन पे वोल्टेज कम नहीं हो रहे है, तो हमारा बोर्ड जो है ना वो सही तरीके से वो बैटरी को सेंस नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से हमारा जो मसला है वो बन चुका है। ओके, ये हमारे जो है ना पीएमआई 632502 वर्जन है, ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप बुकिंग कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे भी फॉलो करना। हमारा टूल्स ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएंगे व्हाट्सअप, वो भी अपने फॉलो करना है। ओके, और ये ऐसे हमने लगा ली यहाँ पे। ओके, तो अभी माइक्रोस्कोप स्क्रीन से निकाल के इसको चेक करते हैं। तो इस सेट में मसला क्या था दोस्तों, हमने किस तरह ख़ुद को जो है ना 100% श्योर किया कि इसी से मसला, इसी आईसी इसी लाइन से उस लाइन इस हमारे पीएमआई से कनेक्ट टीचे 632502 इसका वर्जन है, तो ये हमने चेंज की। अच्छा, वर्जन से मुझे एक बात याद आई दोस्तों, सीआरवी में अभी वर्जन आ गए। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमारे जो है ना वो वीपीएच लाइन और वीएस1 जो है ना शार्ट हो रहा है, तो आप वर्जन चेक करो। अगर आपका 2014 वर्जन है तो उससे अपग्रेड आप लगाओ। ओके, 2020 लगाओ और उससे अपग्रेड आप लगाओगे तो आपका जो है ना वीपीएच शार्ट नहीं होगा, और सेम वर्जन मिल जाए तो अच्छी बात है, दोनों आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ओके, सीआरवी में ये अभी ज़्यादा शिकायत आ रहा है। तो हमने पीसीबी को यहाँ पे फिट कर लिया, अभी क्या करते हैं पावर की को प्रेस करते हैं, वही बैटरी है क्योंकि इसके अपनी बैटरी में चार्ज कम है, तो उसी बैटरी से अभी ऑन करके देखते हैं। ओके, ये ऑन हो गया बगैर आईडी को हमने शार्ट की हुई, हमने आईडी अभी तक शार्ट नहीं किया, ये ऑन हो गया। तो चलो, ये दोस्त भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी खुश होगा, आप दोस्तों को भी दिखाते हैं। ओके, और ये डबिंग साउंड है क्योंकि उस टाइम मैंने साउंड इस पर रिकॉर्ड नहीं की थी। ओके, और ये हमारे दोस्त हैं नासर भाई, जो कि काफ़ी दूर से हैं। अच्छा, तो जो साथी अगर हमसे मुलाकात के लिए आते हैं तो पहले लाजिमी जो है ना हमें व्हाट्सअप कर लिया करो, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर साथी परेशान हो जाते हैं। बगैर जो है ना वो कॉन्टेक्ट किया अगर कोई आ गया तो वो फिर नाराज़ उसने नहीं होना है। ओके, और ये नासर भाई ने कॉन्टेक्ट करके जो है ना पहले ये सेट हमें भेजा था, फिर बाद में ही आ गए, और ये सेट अलहमदिल्ला इनके रिपेयर हो गए। तो ये अभी पास में बैठे हुए थे, हमने रिपेयर किया, हालांकि एक महीने पहले इन्होंने सेंड किया, हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया क्योंकि काम ज़्यादा था। और ये बराबर चार ले रहा है, और 4000 एम्पेयर भी बराबर अभी ये शो कर रहा है, इसका मसला हल हो गया। और जिन साथियों को उन्होंने सेंड किया था महीने, उनके पास पड़ा हुआ था महीने, तो मेरे पास भी हो गया, लेकिन मैंने इनसे पहले माजरत की थी और ये ख़ुद भी समझ गए मेरे पास से आप बैठ के। और मैं आपको अभी आईडी लाइन वाला जो है ना वो बताता हूँ कि किस तरह यहाँ पे वोल्टेज कम हुआ कि नहीं। ओके, जो हमारे आईडी लाइन है उसी पे, और जो भी साथी मेहमान बहुत ज़्यादा आने लगे, ये देखो 0.8, तो बराए मेहरबानी लाजमी जो है ना ऊपर नंबर हमने दिया हुआ है, एक मरतबा ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लिया करो। ओके, हम आपको टाइम देंगे, लेकिन आपने हमारी मर्ज़ी से आना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। और पार्सल हम बिल्कुल बंद किए हैं कुछ दिनों के लिए, पार्सल बिल्कुल सेंड नहीं करना है। ओके, और ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ओके हो गया, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला हल हो गया, और ये दोस्त भी खुश हो गए, और ये कस्टमर्स का सिटन से जुड़ हो गए, इनके लिए बहुत मसला था। और ये अपनी वेबसाइट यूट्यूब पे भी शायद इस वीडियो को अपलोड करें, और ये सेट अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर हो गया, उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे।